बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं लौकी और दाल की सब्ज़ी। खाने में इंतहाई मज़ेदार और बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसमें मैंने 3 से 4 लौंग ऐड किए हैं, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है और 3 से 4 काली मिर्च हैं। गरम मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, ये एक दरमियाने साइज का प्याज है, 1 टमाटर और 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा। तीन से चार जो लहसुन के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको अब ट्रांसपेरेंट होने तक बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के नमक, 2 मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून पानी का ऐड करूंगी, ताकि मसाले जले नहीं। लेकिन जब मैं स्पाइसेस डाले उसके लिए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पाया, थोड़ा सा गल भी जाए। और आप ये देखें, जो घी है हमारा, ये जो तरी आपको नज़र आ रही है, ये हम उतार लेंगे। ये हम सर्व करते हैं, इसमें दोबारा से अपनी लौकी और दाल में डाल देंगे। अच्छे से भूनिए, झटपट से हम लौकी और दाल की सब्जी तैयार कर लेंगे। तरी हमने इसको ऊपर से उतार लिया। मैं इसमें तकरीबन 300 ग्राम चने की दाल ऐड कर रही, मैंने तो 2-3 घंटे पहले भी भिगो दिया था, और अच्छी तरह से इसको मैंने साफ कर लिया। 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे ऐसे। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 किलो जो है वो लौकी डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह से भूनूंगी, ताकि लौकी को भी मसाले अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, दो से तीन मिनट हो गए हैं, ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने कितना पानी ऐड किया इसमें, हमने इतना पानी ऐड करना कि लौकी जो है वो हमारी पानी से नीचे ले। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चला लूंगी, 10 से 15 मिनट।
तो व्यूज़ देखे 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया था, तो मैंने अब इसको खुले बर्तन में डाल लिए। देखिए बिल्कुल हमारी जो दाल है वो भी गल गई है और साथ में हमारा जो लौकी है वो भी गल गया। अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ करूँगी। अब इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊंगी। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। अब बिल्कुल हमारा जो लौकी और दाल की सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी 4 अदद। अब 1 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। हमेशा की तरह ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है और ये डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से करता है खाने को। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी लौकी और दाल की सब्ज़ी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी बिल्कुल जो है सब्ज़ी बन के रेडी होगी। अब जो तरी मैंने उतारी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी से ये लगा रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया, और अब ये देखें एक छोटी सी टिप के साथ हमने थोड़े से ऑयल में कितनी ज़बरदस्ती हमारी दाल और लौकी की सब्ज़ी रेडी कर ली है। ये देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।